गुड मॉर्निंग एवरीवन, सरूपा ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। आज संडे है, संडे का सुबह है, अभी 9:30 बज रहा है। अभी से मैं एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और सब काम हो गया है मेरा। मेरा हस्बैंड काम करके गया, खुशी की बात है ना। एक ही दिन करता है संडे को, और कभी कभी कर भी देता है, ऐसे बात नहीं एक ही दिन करता है, कभी कभी करते हैं। तो संडे को तो करते ही है। संडे को मैं बहुत लेट उठती हूँ, जब मेरा बेटा का स्कूल शुरू हो जाता है तो संडे कोई टाइम मिलता है सोने का तो मैं सो जाती हूँ खूब अच्छा से 8 बजे तक। अभी मैं जा रही हूँ, जो छोटा मोटा काम है वो करने जा रही हूँ। बस डाइनिंग टेबल का हाल हमेशा सुबह ऐसे ही होता है और मुझे ठीक करना पड़ता है। अभी वही जा रही हूँ मैं, पहले उसको ठीक कर देते। क्या हाल है भाई, केला इधर पड़ा, बोतल उधर पड़ा, आम की अचार इधर, अभी ठीक कर लेते पहले। डाइनिंग टेबल सफाई हो गया है, अभी मैं जा रही हूँ किचन में, जो चाय बनाए थे चाय का बर्तन है, और नाश्ता बनाऊंगी मेरा बेटा के लिए। हस्बैंड को बना के दे दिया था, तो परोठा बना के दिया था चाय के साथ, खा के चला गया। अभी हम दोनों के लिए बनाएंगे। और बेटी चश्मा पहन रही है, मेरा नहीं है भाई का चश्मा है, जाओ भाई के पास दो। इसको भी दूध पिला दिया, लेकिन अभी कपड़ा वपड़ा चेंज करके तैयार कर देती हूँ। पहले मैं डाइनिंग टेबल सफाई करके आया ना, और डाइनिंग टेबल डेली सुबह सफाई करती हूँ, शाम तक हो जाता है, फिर वही हाल, फिर डेली सुबह उठ के करना पड़ता। आज तो फिर भी कम था, इससे भी ज्यादा होता है, कोई भी चीज डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देते हैं तो सब ठीक करना पड़ता है सुबह। और आज मैं लंच बनाऊंगी, लंच में ना मैं वेज बिरयानी बनाऊंगी और अंडा करी बनाऊंगी। चिकन मछली नहीं बनाएंगे, डेली डेली चिकन मछली पनीर हो रहा है तो नहीं बनाऊंगी। और मछली मेरा बेटा इतना अच्छा खाता नहीं है तो मैं इसीलिए कम बनाती हूँ। अंडा करी बना देंगे तो वेज बिरयानी के साथ खा लेंगे। और क्या चश्मा नहीं पहनना, भाई के चश्मा है। अभी चलती हूँ किचन में, पहले अभी सावर लेने भी जाना, बहुत गर्मी लग रही है ना, इसीलिए मैं सुबह सुबह सावर नहीं ली। अभी मैं आ गई किचन में, किचन में वो जितना बर्तन है मैं धो लेते हैं, और थोड़ा बहुत ही है चाय की बर्तन मैं धुलाई कर लेती हूँ। और अंडा फ्रिज से निकल के रख दिया, अभी अंडा उबलने के लिए रख देंगे, और चावल भी भिगा दूंगी। मैं नाश्ता भी बना के फिर जाऊंगी सावर लेने, ताकि आते ही पहले नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी शुरू हो गई बाबा, 2-3 दिन हो गया इतना गर्मी, 2-3 बार मैं कपड़ा चेंज कर रही हूँ, इतना गर्मी लग रहा है। सब कुछ कर लेते और जब मैं लंच बनाऊंगी तब आप सबसे बात करती हूँ। मेरा सब काम हो गया, मैं अभी नाश्ता करके आ गई किचन में, अभी बस बेटी को नहा के देना है। और चावल भी मैंने भिगा दिया, और वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने सब्जी भी धो के रख दी, बीन्स और गाजर। और सोयाबीन डालेंगे गर्म पानी में, नमक डाल के सोयाबीन को भी भिगा के रख दी थी, तो सोयाबीन अभी फ्राई करूंगी। कढ़ाई में तेल बिठा दिया, पहले सोयाबीन फ्राई कर लेते। और दूध गर्म हो गया मेरा, चीनी और दूध एक साथ गर्म कर लिया, उसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, ये वाला सिमाई बनाएंगे। बोलते हैं दूध को आधा ठंडा होने के बाद ये सिमाई डालना पड़ता है, तो अभी दूध आधा ठंडा हो जाए फिर डालेंगे, क्योंकि ये वाला मैंने कभी बनाया नहीं सिमाई, अभी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पहले दूध आधा ठंडा हो जाए, और अभी कढ़ाई भी गर्म हो गया, मैं पहले सोयाबीन फ्राई कर लेते। अब तेल में नमक और हल्दी डालूंगी, हल्दी इसलिए डालूंगी सोयाबीन में तो अच्छा कलर आ जाएंगे, पीला कलर। सोयाबीन का ऊपर हल्दी डालने से ना अच्छा वो नहीं होता है, तेल में डालने से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, चावल बन रहा है। और वेज बिरयानी में पनीर भी मैं डालूंगी, सोयाबीन फ्राई हो रहा है, थोड़ा अच्छा से फ्राई करना है सोयाबीन को। सोयाबीन फ्राई हो गया है, एकदम ब्राउन करके फ्राई करना है। और मैंने सब्जी भी काट लिया है, ये सब्जी है, इसको भी फ्राई कर लेते हैं पहले, तब तक चावल बन जाएंगे। चावल इंडक्शन चूल्हा में बैठा दिया है, चावल बन गया है। अभी मैं कढ़ाई में घी डाल के सब मिक्स करूंगी, बिरयानी मसाला भी डालेंगे, ये बिरयानी मसाला कुकर में भी बनता है, लेकिन वो जो ब्राउन दावत राइस है ना वो समझ नहीं आ रहा मुझे, कुकर में कितना सीटी चाहिए उसको,
इसके वजह से इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो सब कुछ फ्राई करके चावल डाल के सीटी लगा दो बिरयानी बन जाता है वेज बिरयानी। ये वाला मसाला डालेंगे तो मैं पहले कढ़ाई बैठा देती हूँ, इंडक्स चूल्हा में बैठा देती हूँ कढ़ाई, और गैस में, गैस चूल्हे में मैं अंडा करी बना लेती हूँ। कढ़ाई बैठा दिया, अभी मैं कढ़ाई में घी डाल देती हूँ। नमक स्वाद के अनुसार डालना है, लेकिन थोड़ा भेज बिरयानी मीठा मीठा जैसे होता है। और एक चम्मच मिर्ची पाउडर डाला था, वो दिखाने के लिए भूल गए मैं। हरा मिर्ची भी डाल सकते हो, और तेल में करी पत्ता भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला करी पत्ता। हो गया है, अभी अंडा करी बना लेते हो। अंडा करी बनाने के बाद ना जब लंच करने बैठेंगे तब आप सभी को दिखाते हो भेज बिरयानी बना लेते, ठीक है। लेट हो गया, 2 बज गया है। भेज बिरयानी बनाने के लिए 2 कभी बचता है, कुकर में फट से बना लो। खाना खा के अभी रूम में आ गई, मैं थोड़ा बैठती हूँ और जो कल ब्लॉग बनाए थे उसका एडिटिंग कर लेते। 5 बजे पब्लिश कर रही हूँ तो अभी 3 बज गया है, और बर्तन भी किचन में भी छोड़ के आ गए, बाद में धुलाई करूंगी। और भेज बिरयानी के साथ में अंडा करी बना दिया था और रायता बनाया था। अभी मैं किचन में हूँ, पता है क्यों? बर्तन तो धुल गया, सब काम हो गया, लेकिन मेरा बेटी का जो दूध का पतीला है, मेरा पति देव को बोला था थोड़ा दूध गर्म करके दो, तो दूध इतना था नहीं जितना टाइम 20 मिनट इंडक्शन चूल्हा में बैठा के रख दिया। इनको बोला दूध गर्म करके दो, दूध बैठा के गार्डन में पानी देने गया, और ऐसे हाल बनाया ना वो पतीला का, काला होके जल रहा। मैं घिस घिस के परेशान हो, मेरा बेटा घिस रहा है। और ये है ना, दोपहर में 15-20 मिनट में नहीं सोई, सुलाने में 1 घंटा लगा, और आधा घंटा के बाद उठ गई। अभी मुझे पार्क में लेके जाओ, पार्क में लेके जाओ, 2 दिन से बता रहे हैं, अभी सो जाएगी क्या पार्क में लेके जाना। मैं बस वही पतीला घिस के ना सफाई कर लेती, उसके बाद जाएंगे सावर लेके, बस कहीं नहीं जाना। अभी चावल लेके मैं बैठूंगी, रात का खाने का भी बनाना है, खाना इसीलिए बनाना है, वो बनाए थे वेज बिरयानी, तो रात के लिए रोटी सब्जी बनाना है। अभी मैं आपको पतीला दिखाती हूँ, मेरा बेटा घिस रहा था, ये पतीला का हाल। सुबह तारीफ करो और शाम को ऐसे गुस्सा दिलाते है ना, क्या बताए, गुस्सा देखा, गुस्सा गुच्छा, ये भी गुस्सा हो जाती है। आजकल पता नहीं इतना गर्मी क्यों दे रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। सब काम हो गया था, लेकिन बस वो इसी का चक्कर, इतना तो कट दिया सफाई और नहीं हो रहा है मुझसे। बाप रे, आधा घंटा से ऊपर लगा इसको ना घिसने में, आधा मैंने घिसा, आधा मेरा बेटा ने घिसा। ठीक है, मैं अभी सावर लेके फिर आप सबसे ना फ्रेश होके फिर बात करती हूँ। पता है अभी मैं सब काम कर लिया था, मैं रेडी हो रही थी, मतलब सूट पहनना ही था, उसके पहले मेरा बेटी बोल रहा मम्मा सोना है, तो सो गई अभी। तो अभी तैयार होके क्या करना, पार्क में जा नहीं सकते, बैठी हूँ अभी। बहुत जेद कर दी पार्क में जाने के लिए, आज मैं नहीं बताया दोपहर में सोई नहीं है, तो शाम को जैसे 7 बजे ना, अरे इधर तो 8 बजे तक शाम होता है, 7 बजे जाओ तो ठीक है, मतलब उसका पहले जाओ तो बहुत धूप है, पंखा चला के बैठी हूँ। कान का इसीलिए नहीं पहनती हूँ, बहुत दर्द भी कर रहा है, और कान का पहनने के बाद ना मेरी बेटी खींच के फेंक रही है, बार बार ढूंढो और पहनो, इसीलिए मैं कान का खोल दी। और जो दोपहर में मैं सिमाई बनाया था ना, वो सिमाई अच्छा बना है, और बिरयानी भी अच्छा बना था। आप सभी को तो बस मैं दिखाई दिया था, लेकिन अच्छा बना था। ये सिमाई बना है, मतलब सिमाई ऐसे ही बनना चाहिए वो, नहीं तो गर्म दूध में डाल दो ना तो एकदम से टाइट हो जाता है। ये वाला सिमाई आधा ठंडा करके डाला था तो सही बना है। अभी मैं बैठी हूँ लेके खाने के लिए, और कटोरी और मेरा नाइटी एक ही कलर की हो गई। मेरा बेटा आ गया खेल के आ जाता है वो, 8 बजे आ जाता है, क्योंकि मेरा बेटी 7 बजे सोई थी। उसके बाद ना हमारा 2 रूम है,
एक रूम बहुत गर्म है, एक रूम बहुत ज्यादा ठंडा है। तो बीच में 2-3 दिन बारिश हुआ तो दूसरा रूम गर्म वाला रूम बिल्कुल ठंडा हो गया था। तो सामान लेके सब उस रूम में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उस रूम में बेड लगा हुआ है, इस रूम में बेड नहीं है। तो आज इतना गर्मी लग रहा है ना, मैं फिर सामान लेके जब बेटी सो गई तो शाम उस रूम का जितना मतलब था कि हाँ ओढ़ने वाला जितना कंबल वम्बल सब लेके इस रूम में आ गई। इसलिए मैं बीच में, और मोबाइल में बिल्कुल चार्ज नहीं था, तो मोबाइल चार्ज में बैठा के फिर मैं एक काम किया, 30% भी चार्ज नहीं था। बेटा गेम गेम तो खेलता नहीं है वो, कुछ मतलब मोबाइल ही देखता रहता है, वो यूट्यूब में कुछ देखते हैं, गेम नहीं खेलता है। तो वही देख रहा था, देखते देखते इतना चार्ज 0 हो रहा है, लेकिन लगाने का वो नहीं है। फिर मैंने लगा दिया, तब तक मैंने काम भी कर लिया, उस रूम का जितना सामान था इस रूम में लेके आ गया, बेटी का डायपर है और पाउडर दवाई सब कुछ इस रूम में लेके आ गया, क्योंकि दवाई रात को खिलाना पड़ता है, फिर उस रूम में कौन जाए, सिमाई खा लेती हूँ पहले। अभी मेरा बेटी भी सो रही है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इस टाइम सोती नहीं है, और मैं पंखा इसीलिए नहीं बंद कर पा रही हूँ, बेटी उठ जाएगी इसीलिए मैं पंखा बंद नहीं कर पा रही हूँ। और रात का ना खाना नहीं बनाएंगे आज, सच में मैं बहुत गुस्सा में हूँ। एक तो पूरा पतीला जला के रख दिया, थोड़ा सा दूध था, मैं बोला थोड़ा गर्म करके देके जाओ मैं पिला देती हूँ, बस तब तक दूध को ऐसे राग बना दिया है। अभी खाना नहीं बनाएंगे, आने दो फिर बनाएंगे, मैं बताऊंगी आप बनाओ खाना। अरे इतना गर्मी में किचन में खड़ी होके आधा घंटा तक उसको घीस घीस के नहीं हो रहे थे, फिर मेरा बेटा ने थोड़ा घिसा तब जाके वो सही हुआ। मतलब इतना जल गया था ना, मतलब आपको जब, आप सभी को जब मैं दिखाया ना, वो आधा दिखाया, मतलब आधा निकालने के बाद फिर दिखाया, और इतना टाइम लग गया उसको खींचने में। अभी कुछ नहीं करेंगे रात को, थोड़ा सा है वेज बिरयानी, लेकिन बनाना पड़ेगा अभी खाना। खाना मतलब रोटी तो बनाना ही है, अंडा करी तो है, रोटी बना देंगे, वो अभी बनाऊंगी नहीं, आएंगे मैं बताऊंगी आप खुद बनाओ, है ना। सही बोला ना। फिर अभी पार्क में जाना था सच में, मैं एक मेरा एक सहेली को भी बता के रखती थी मैं आ रही हूँ पार्क में, बस मेरा बेटी सो गई ना, दूसरा रूम में आ गई। मेरा बात, मैं आप सबसे बात कर रही हूँ ना, तो वो मेरा बेटी ना हिल रही थी, उठ जाना था अभी, इसीलिए मैं बाहर आ गई, दूसरा रूम में आ गई। अभी पंखा बंद कर दिया, पंखा बंद करने से अच्छा सुनाई देता है यार, पंखा जब थोड़ा गड़ 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 आवाज होते है ना, कोई नहीं क्या करे। और अभी मैं नहीं बताया ना, रात को कुछ नहीं बनाएंगे, अभी मैं बैठ ही रहूंगी, आने दो तब तक। और अभी बैठ के क्या करना, बेटी सो रही है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, सबको बाय कर देती हूँ अभी। फिर मिलेंगे कल सुबह एक नया ब्लॉग के साथ, और मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। बाय, गुड नाइट।